तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन समझते हैं। पहले तो एनसीईआरटी बोल रही है एंजाइम्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सो ये एक एंजाइम की एक प्रॉपर्टी हो गई है कि आपसे अगर पूछे कि एंजाइम्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो एंजाइम्स आर नीडेड इन ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन करने के लिए बहुत ही छोटे अमाउंट में एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। और पिछले उसमें हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि वो मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, तो ये सब एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद एंजाइम काम कैसे करता है, मैकेनिज्म काम कैसे करता है एंजाइम। तो जैसे एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, जैसे केमिकल कैटलिस्ट काम करते हैं, वैसे ही बायो कैटलिस्ट भी काम करता है। रिएक्शन को स्पीड अप करता है। स्पीड अप करना मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। रिएक्शन जल्दी होना मतलब सबस्ट्रेट बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सबस्ट्रेट बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो बैरियर एनर्जी का उसको क्रॉस करना होता है वो कम हो जाता है जब हम एंजाइम को यूज़ करते हैं। जो एनर्जी उसको अचीव करनी होती है प्रोडक्ट में जाने के लिए, जो मिनिमम अमाउंट की ऊर्जा और एनर्जी उसको अचीव करनी होती है प्रोडक्ट में जाने के लिए, वो एंजाइम अगर है तो बहुत जल्दी हो जाता है। वो एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम काम कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, सिंपल है, रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है एंजाइम, जिससे कि सबस्ट्रेट बहुत जल्दी प्रोडक्ट में बदल जाता है। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जैसे कि अगर हम मान लो कि सुक्रोज का हम वो कर रहे हैं, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, सुक्रोज को एसिड हाइड्रोलिसिस करके सुक्रोज को हम ब्रेक कर रहे हैं ग्लूकोज में, तो उसको हम बिना एंजाइम के अगर करेंगे तो 6.22 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमें लगेगी। लेकिन अगर हम वहीं एक एंजाइम इस्तेमाल कर लें सुक्रेस, जो कि सुक्रोज को तोड़ेगा, तो जो एनर्जी लगेगी वो केवल 2.15 किलो जूल पर मोल की लगेगी। तो पहले लग रही थी बिना एंजाइम के 6.22 और फिर बाद में लगी 2.15 जब हमने सुक्रेस इस्तेमाल किया। इसका मतलब सुक्रेस ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। कितना कम कर दिया देखें हम, तो 6.22 माइनस 2.15 4.07 किलो जूल पर मोल एनर्जी कम कर दी सुक्रेस ने। और इस तरह बहुत आसानी से सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ग्राफ हम लोग देख सकते हैं, एक ग्राफ होता है इसका, जैसे कि वाई एक्सिस पे ये एनर्जी है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे सबस्ट्रेट है और इस यहाँ पे सबस्ट्रेट है और इसे कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी बैरियर इसको क्रॉस करना पड़ेगा ये एक्टिवेशन एनर्जी का, ये जो है ये एंजाइम कम कर देता है और वो बहुत आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में बदलने के लिए, और एंजाइम्स उसी को कम कर देते हैं और इसी तरह वो काम करते हैं, यही उसका मैकेनिज्म है। थैंक यू।